छोटा भी आता है सुनो वो जो भी पूजा के लिए धूपबत्ती वगैरह नहीं है सब ले लो। आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बड़ा ही दे दो। तुम लो ना, क्या खाएगा तू? तुम मुझे भी परवीन खींच के खाओ। कब खत्म हो गया माल? कहाँ थी तुम? ले लिया मैंने एक नया फ्लैट। आपको इसका टूर कराई देते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो। आप लोग बताना शुभ नगर आए। इससे अटैच ये रूम है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक बेसिंग यहाँ पे है, जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे सुंदर डिश वॉशर यहाँ लगा हुआ है। ये देखो एक यहाँ पे भी है, ये बाहर जाने के लिए। इसमें भी इसका देखिए, जितने वॉशरूम है ना उतने कलर कलर के हैं, कुछ डिफरेंट है तो क्या रख सकते हैं। और उसके बाद ये रहा। और गाइस जो हमारा सपना था कि ये जैसे आप लोग देख रहे हैं, इसमें मिरर है, ये कांच लगा हुआ है और बेसिंग भी बहुत ही अच्छा है। तुम बोले उस वाले के कारण इस साइड से नहीं दिख रही। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमित अंकित जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो नवरात्रि आ ही गई, आप लोग को पता है। तो नवरात्रि के लिए किटोरानी यहाँ पे कर रही है पूजा पाठ का सामान। छोटा नहीं है, छोटा भी आता है, एक आता है। सुनो वो जो भी पूजा के लिए धूपबत्ती वगैरह नहीं है सब ले लो। ये छोटा से आता है। अभी भीड़ नहीं है, शाम को भीड़ लग जाएगी खतरनाक वाली। तो पूजा पाठ का सारा सामान सेट हो गया है। बहुत बड़ा प्लेट होगा। ये हमारी फेवरेट शॉप है जहाँ से हमारी सारी चीज़ें जाती हैं। ये भैया पहचान रहे हो उनको? हाँ जी पहचान रहे। क्या कह रहे हो, नहीं पहचान रहे? पहचान रहे जी, आपको सामान लेके तो जाते हो आप। चलो नहीं है कोई बात नहीं। अंकल कह रहे अभी सामान ले लो, ठीक रहेगा। चलो कोई बात नहीं, अरे चलो आप ये दे दो। वो ले लो दो, वो बनी बनाई वाली बत्ती। एक श्रृंगार का सामान लेते, पहले दिन चढ़ा देंगे, देखते हैं लोग चढ़ाते हैं ना। यही ले ले, चढ़ा दे। क्या करना है, ये वाला चढ़ा देते हैं। ले लो ठीक है। और क्या लोगी? और मैं बोल रहा था वो बत्ती ले लो ना। चुनरी लेना है माँ को चढ़ाने के लिए। तुम बत्ती ले लो। तो कपूर है? कपूर ले लेते हैं। ले लो कपूर। तिल, ये तिल है क्या? ये क्या है? काले तिल है। काले तिल ना। हाँ दो पैकेट दे दो ना। देखो ये अच्छा लग रहा, बड़ा साइज लग रहा। देखो कितना धूप बत्ती का बड़ा सा ही लग रहा है। ऐसे दो डिब्बे, एक डिब्बा और ले लें। रोली है, घी, घी अभी है, डब्बा पूरा है। और ये सब तो नहीं लगता, अच्छा भी है। ये चढ़ाएंगे ना, ये लौंग, लौंग, इलायची। आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से है नवरात्रि और भाई बिजी रहेगा पूरे। हाँ नवरात्रों में पूरा लौंग इलायची। लौंग इलायची लिए ना? ले लिया। हाँ एक ये देना, तो एक बड़ी बत्ती और एक गोली बत्ती दे दो। या ले लो ना, इसमें से उठा लो। ये पैकेट है ना। चलो गोली। मैं सोच रही थी 9 दिन दुर्गा माँ को नीचे करके बिछाएंगे ना, एक बड़ा ही दे दो तो बिछाएंगे। बड़ा अपनी ताकत के हिसाब से। ताकत में नहीं बिछाएंगे, वहीं पे रखेंगे, अलग से नहीं करेंगे। सही नहीं जी, इसे छोटा थोड़ा दो। पीला दे दो, नहीं रेड ही दो, क्योंकि माँ का दिन है ना। इसे थोड़ा सा छोटा। ये कितने का है? अब हम लोगों ने लगभग सारा सामान ले लिया है, फिर यहाँ से बिलिंग करा के फिर निकलते हैं आगे की तरफ। हमारा हो गया है सारा सामान, हो गया, चले। तुम लोग फटी क्या लोगी? नहीं जा रहा। तुम नहीं लो? इसे भी तो पकड़ो कोई। अरे बैठ खा ना, क्या खाएगा तू? संजय दत्त हो रहा है। पाव भाजी की बात, तुम्हारा पाव भाजी नहीं खत्म हुआ जी अभी तक? मम मम नहीं, मम गिराएगा। हाँ जा जा।
अरे तुम लेट हो गई, सब खत्म हो गया माल। कहाँ थी तुम? नहीं मैं पहले लेके जा चुकी हूँ। दबन दबन और नहीं तो खत्म खत्म कितना माल रहा होगा तुझे? 2000 तो गाइस अभी ये नया नया बना हुआ है हमारी सोसाइटी में, तो हम सोच रहे थे कि इसको बनने में और इतना जल्दी बना है। ओह वाओ, कितना एंट्रेंस देखो इसका, तो एकदम वीआईपी बनवा दिए है। चलो चलो ले लिया मैंने एक नया फ्लैट। हे गाइस, आप लोग को बताया कि हम लोग अपना वाला फ्लैट बेच करके हम ये वाला फ्लैट ले रहे हैं, तो आज हम आपको इसका टूर करा ही देते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग बताना, मैं यही दूंगी क्योंकि ये देख करके मैं अपने पति जी से लड़ाई कर ली, तो ये बोले कि एक बार टूर कर लो। तो ये हमारा है मेन एंट्री और ये हमारा है हॉल, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये हॉल के बाद आते हैं एक वाशरूम, वाशरूम भी खूबसूरत है, ये आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। ये वाशरूम वगैरह है, इससे अटैच ये रूम है। ये रूम में आपको ये जो फ्लैट है ना, ये आपको बने बना मिलेगा, आपको इसमें पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कराते हो तो अलग बात है, बाकी ये सब भी कितना अच्छा है। देखो इन्होंने क्या किया इसमें कि मच्छर वाला भी लगवा दिया, ये बहुत खूबसूरत है, मतलब वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसको खोल के भी अगर आप एसी नहीं ऑन करते तो नॉर्मल हवा ले सकते हो। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। और यहाँ अभी तुम बोलो तो वॉल पर उखाड़ के लेके चले, इसमें हम अपना सिल्वर प्लेट बटन लगा देंगे। अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। और ये हमारा जैसे कि और ये देखो माइक्रोवेव होगा, ये देखो ये कितना सुंदर है ना, ये चिमनी वगैरह है, इसमें सब कुछ लगा हुआ है, इसका सुंदर है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक बेसिंग, यहाँ पे है जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे सुंदर डिश वॉशर यहाँ लगा हुआ है, ये देखो एक यहाँ पे भी है डिश वॉशर यहाँ। इसकी टाइलें बहुत अच्छी है, शाइनिंग भी कर रही है, मस्त लग रहा है। यहाँ पे हम अपना वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा है, आप लोग को जरूर पसंद आएगा। चलो आ जाओ। उसके बाद हम आते हैं, ये रहा हॉल, हॉल बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे भी उनकी चीजें चला सकती है। और यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसे करके जो तस्वीर लगे हुए हैं, बाकी इधर आइए आइए आइए। एक रूम ये है, ये बाहर जाने के लिए, इसमें भी इसका देखिए, जितने वॉशरूम है ना उतने कलर कलर के हैं, कुछ डिफरेंट है। इसमें आपको मिरर वगैरह सब कुछ लगा के मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ रखने के लिए है क्या? नहीं ऐसा लग रहा है। अच्छा आ जाइए। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे भी सब कुछ लगा हुआ है, सबसे सुंदर आपको दिखाते हैं, इधर आइए। उसके बाद आता है हमारा ये वाला रूम, क्योंकि ये शायद अच्छा ये हमारा मीरा है, ठीक है, इससे हम बाहर जाते हैं अपने बालकनी वगैरह में। आ जाओ। उसके बाद ये आता है हमारा लग्जरी वॉशरूम, लग्जरी है ना, मेन बाथरूम यही है। हाँ, इसमें हम अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। और उसके बाद ये रहा, और गाइस जो हमारा सपना था कि इसमें मिरर, ये कांच लगा हुआ है और बेसिंग भी बहुत ही अच्छा है। तो बाबू ये देखो किट्टो, हाँ मैंने देख लिया क्या, ठीक है, पक्का पक्का झूठ ना बोल रहे, चलो सबसे बड़ी खुशी मिल गई। मास्टर, ये मास्टर बेडरूम का वास्तु है, ये मास्टर भी बड़ा है, सब बेड ऐसे लगे हैं दोनों साइड से, ये अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्या पता इसी में सूसे सूसे हो जाए। अरे ऐसे ही होता है, तुमको लग रहा है कि चलो आ जाओ, ये छोटे बड़े बना नहीं।
आप लोग भी आके ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही ले रही हूँ, आप लोग भी आके ले सकते हैं। लेकिन पता है ग्लास है, जो बाहर का ग्लास है ना वही गर्म होगा, अंदर वाला ग्लास गर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में गैस है। दूसरा, जैसी फॉन्सिलिंग आप देख रहे हैं ऐसी फॉन्सिलिंग हर फ्लॉर है, इसकी लाइटिंग हर चीज ब्रेजेंट करके ले रही है, इसका ग्लासेस टच स्क्रीन पूरा ग्लास ना मिरर भी जो आप देख रहे हैं टच करें तो लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाए। हार्ड एक्सेस से एंट्री है, नॉर्मल एंट्री भी अच्छा मोबाइल से सारी लाइट सब कुछ ऑटोमेशन है। ओके, आपके गेट कितनी बार खुला है दिन में, कब कब खुला है सब मोबाइल पे आप देख सकते हैं, कैमरा लगा के दे रहे हैं, कोई भी आदमी आ रहा पहले ही देख लो गेट सब कुछ। डोर कैमरा लगेगा ना, डोर कैमरा वो लगा हुआ अच्छा, और ये मैग्नेटिक है, आपने अगर बंद कर दिया फिर जितनी टाइम बाद वो खुलेगा वो खोल नहीं सकते, आपकी परमिशन ही चाहिए होगी तब वो खोल सकते। नहीं तो ये फर्स्ट फ्लोर की कीमत है कि साथ ऊपर कोई भी फ्लैट कोई भी डायरेक्शन चल रहा है हल्की सी हिम्मत करके बंद हो जाए और प्रदर्शन देकर धीरे धीरे करके बन जाए, जैसे जैसे बनता जाएगा तब बन जाएगा। एक करोड़ का7 8 6 5
एक मेरे को दिला दो लड़की दिल तो रखने के लिए बोल रही है जरूर तो बोलिए आप भी अब तुम्हें खुश कर दिया तो खुश कर भी पड़ा रहे हो क्या ही होता है ये अभी किचन में इतना काम ही नहीं हुआ है ये जितना पूरा ड्राइंग रूम है ना उसमें हमारा पूरा भरा जाएगा इतना हो जाएगा बहुत अच्छे इधर का भी इधर भी बनेगा ना बेसिंग इधर बनेगा इधर दो इधर बनेगा आप सब लोगों को फ्लैट कैसा लगा क्या चाहती है गिट्टो तो मैं आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ इस वाले वीडियो में एंड में कि अभी हम लोग मूड बना रहे हैं और कल बातचीत भी हुई है प्राइजिंग वगैरह की लेकिन ये जो फ्लैट है इसकी प्राइस मैं रिवील कर देना चाहता हूँ इसका जो प्राइस है 2 करोड़ के टच में है मतलब समझ रही हो किटो 2 करोड़ में कितना शादी हो जाएगी इनको इतना पसंद आ गया है और बिल्कुल बातचीत चल रही देखिए क्या तो पेपर वेपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं चीज़ें क्लियर होती तो ही आप फ्लैट ले पाते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप लोगों को रिवील करेंगे क्या है क्या नहीं मेन होता है बजट बजट का भी देखना है कहाँ से पैसे आए कहाँ से ना आए सर इतना बजट नहीं है ना जितना उतने का है उतना तो है प्याज नहीं था जी 1 करोड़ का फ्लैट तो तुम्हारा भी हो गया है 1 करोड़ का मेरा हो गया लेकिन 1 करोड़ और कहाँ से आएगा चलो बोलो लेकिन मैं ये नहीं बेचना चाहती हूँ तो चलो गाइस कोई बात नहीं इस वाले ब्लॉग कहीं पेंड करते हैं वीडियो पसंद आए और फ्लैट पसंद आए तो मुझे बताइएगा क्या हमें फ्लैट लेना चाहिए अगर फ्लैट लेंगे उसके लिए थोड़ा सा बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि पैसे आएंगे तो ही इस तरीके का फ्लैट आ पाएगा ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब खूब किया लव यू ऑल बाय